हम जैसे इंसान अपनी भाषा समझते हैं ना, तो इससे आप बात करोगे तो ये भी हमारी बातें सुनते हैं, समझते हैं। तो अभी ये है कि पशुओं को भी प्रेम करना चाहिए। जैसे आप प्रेम उनको दोगे, वो उतना ही प्यार आपको देंगे। हेलो, राम राम, सीताराम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो चलिए, आज फिर से चली गई है हमारी गैस यानी कि सिलेंडर। तो अभी हमें इलेक्ट्रिक पे बनानी होगी सब्जी और चूल्हे पे रोटला रोटली। तो अभी ये जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा, खाना तो खाना है तो कुछ करना तो पड़ेगा। तो अभी सही है, ऐसा लग रहा है कि कल पानीपुरी नहीं आज बनाई होती तो अच्छा होता, क्योंकि पानीपुरी में इतना सारा तामझाम नहीं होता। तो चलिए सही है, तो पहले सब्जी रोटी बना लेते हैं, फिर बाद में कुछ आज फैमिली के साथ लोग बनाएंगे, सभी लोग के साथ बैठे बैठे, क्योंकि आज पूरा दिन मुझे ये ज़्यादा सर्दी हो जाने के वजह से ब्लॉग नहीं बना पाई, सॉरी। थोड़ा बहुत विजय ने ब्लॉग बनाया है हमारे उस वाले फार्म का, तो वो भी मैं आपको ऐड करके दे दूंगी, तो आई होप वो भी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आज मैं पूरा दिन नहीं बना पाई, ये सर्दी है ना, मैंने हालत ख़राब कर दी है, थोड़ा हेडेक भी रहा है आज पूरा दिन, और मुझसे ये ब्लॉग आज का नहीं बन पाया है। तो मुझे लगा कि अभी शाम हो चुकी है तो अभी इसी वक्त मैं स्टार्ट कर देती हूँ थोड़ा बहुत, और फिर बाद में फैमिली ब्लॉग तो है ही हमारा, तो वो बना लेते हैं। तो चलिए पहले खाना बना लेती हूँ, फिर बाद में दूसरा। अभी हमारे दूसरे वाले फार्म में भी पानी चल रहा है, मैंने जैसे आपको बताया था। तो देखिए वहाँ पानी का काम कैसे चल रहा है पूरे धनिया में, तो बस ये दिखा रही हूँ आप सबको, आई होप अच्छा लगे। बैठने जा रही हूँ हमारे ये आसपास के फार्म में, कितने दिनों से गई नहीं थी तो अभी उनके फार्म में बैठने जा रही हूँ। हमारे रिलेटिव भी है और फार्म में वो कहते हैं ना कि नज़दीक नज़दीक रहते हैं, तो वो है, तो वहाँ पे अभी दोपहर के टाइम बैठने जा रही हूँ। और उनकी फसल में गेहूँ है और धनिया है। अभी हमारे न्यू भैया को है ना कुछ मैथ्स समझ नहीं आ रहा है, तो हेल्प की ज़रूरत है। तो अभी हमारे न्यू भैया देखिए होमवर्क कर रहे हैं, तो अभी क्या करना है? हाँ बापू, हेलो। अभी क्या करना है? अच्छा, अभी इसमें क्या, कौन सा तुम्हारा जो है वो मैथ्स प्लीज है या वेट एंड वॉच। लो, अभी मुझे प्लीज वेट एंड वॉच बोल रहा है, तो अभी कितनी देर वेट करनी पड़ रही है ये मुझे पता नहीं, लेकिन अभी हमारे न्यू भैया का हम खत्म करवा देते हैं।
अभी शाम के खाने में आज बनानी है ये गुआर की सब्जी। तो ये माँ है वो ये बीट रही है गुआर। अभी मैं भी माँ की हेल्प कर देती हूँ तो फटाफट ये सब कुछ सब्जी हो जाए और हमारा खाना भी जल्दी से पक जाए, क्योंकि अभी लाइट नहीं है। तो देखिए किसी का मुंह ढंग से नहीं दिख रहा है, वैसे माँ का मैंने फ्लैश लाइट लगा के दिखाया था। अभी देखिए हमारे नीमा भैया को है ना उठने की बहुत आलस आ रही है। यहाँ से स्नॉक्स पड़े है, वहाँ स्वेटर पड़ा है और इतना सारा तो हमारे नीमा भैया को उठने को चाहिए, फिर भी अभी नींद नहीं उठ रही है। वैसे अभी स्कूल का टाइम 8 बजे का हो चुका है, लेकिन नीमा भैया को कुछ ना कुछ लर्न करना रहता होता है तो बोलता रहता है कि मुझे जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ, और जल्दी उठाए तो अभी उठ नहीं रहा। अभी देखिए जैसे ही मैंने कहा तो उठ गया। अभी ये सब कुछ पहना भी जा रहा है अकेले अकेले। रणजीत भैया है हमारे, वो तो कब के 6 बजे के चले गए हैं और बारी 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 सब लोग उठ रहे हैं और फ्रेश होके चाय पानी हो रहा है। वैसे हमारा न्यू स्कूल चला जाए तो हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का काम हो चुका है। तो अभी न्यू को स्कूल भेजने की बारी है, लेकिन न्यू भैया का कार्यक्रम है वो देखिए धीरे 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 चल रहा है। वैसे अभी अच्छी वाली धूप निकल गई है, सुबह के आई थिंक 10 बजे हैं। वैसे विंटर के टाइम तो भी अच्छी लगती है, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से थोड़ी ठंड लग जाती है, तो ये धूप भी अच्छी लगती है। तो अभी हमारे इस वाले फार्म में भी धनिया में पानी का काम है वो चल रहा है, लेकिन आज लाइट है तो ये हमारी मोटर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो चुका है। तो अभी थोड़ी देर बंद है, लेकिन धनिया में जाके आते हैं कि कितने ग्रो हो चुके हैं। अभी देखिए ये थोड़े बहुत बड़े हो चुके हैं हमारे धनिया है वो, तो ज़्यादा ग्रीन दिख रहे हैं सब कुछ। अभी इससे भी थोड़े 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 बड़े होते जाएंगे तो हमें देखने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये पप्पी देखिए हमारे पूरे खेत में अभी घूम रहे हैं और कहीं भी वो कहते हैं ना हक नहीं ले रहे हैं और ना ही किसी को दे रहे हैं। ये 2-3 यहाँ पर दिख रहे हैं, अभी एक यहाँ पे है, तो ऐसी 4-5 की टोल किया है ये पपीस की। देखिए ये कि यहाँ आ गए हमें देखने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ। अभी ये जुवर भी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है इसमें, और इसकी जो ये पारी है ना उस पर खाने के लिए चने बोए हैं थोड़े थोड़े। अभी ये हमारी गायत्री लक्ष्मी का चारा है जिस पे मैं बैठ चुकी हूँ अभी। ले अभी हमारे धनिया भी बहुत बढ़िया ही है, क्योंकि धीरे 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 ग्रो हो गए और जैसे ही बड़े होंगे ना तो आपको दिखाऊंगे कैसे एक लीली चादर के ऊपर सफ़ेद परत जम जाएगी, तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा होता है ये धनिया का, तो देखने में बहुत मज़ा आता है। वैसे हमारी छत पे चढ़ा नहीं जाता, वरना वो बहुत ही अच्छा नज़ारा हमको दिखने मिलता है। अभी बस सुबह टाइम कुछ काम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जल्दी उठने के फ़ायदे भी होते हैं कि काम जल्दी जल्दी होता है। अभी दोपहर का खाना पकाना है तो बस खाना पका लूँगी, तो नहीं तब तक आ जाएगा, क्योंकि विंटर में बहुत जल्दी खाना भी नहीं पकाना होता, ठंडा हो जाता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, और हमारे घर के लोगों थोड़े चटोरे बहुत है, उनके गर्मों गर्म खाना ही अच्छा लगता है, ठंडा नहीं खाना अच्छा लगता। जैसे इस तरह खाना बन गया इस तरफ सब खाना खाने बैठ जाते हैं। तो अभी खाना पकाने में भी थोड़ी बहुत देर है, तो बस ये सब मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत वीडियो बना लूँ, क्योंकि आजकल रूटीन थोड़ा गड़बड़ी हो गया था। ये सर्दी ज़्यादा जब भी हो जाती है ना तो मुझे कुछ काम भी करना अच्छा नहीं लगता, घर का काम भी थोड़ा अलग अलग हो जाता है और वीडियो का काम भी। और मुझे लगा कि एक सेटिंग नहीं था हमारे वीडियो का, कि शाम के वक्त आता तो था लेकिन कभी 7 कभी 8 कभी 9 कभी 10, तो मैंने सोचा कि एक फ़िक्स टाइम रख लेते हैं कि तब ही हमारा वीडियो अपलोड हो और हमारे जितने व्यूवर्स हैं उनको देखने का भी अच्छा लगे और उन्हें भी लगे कि बस इस टाइम पे वीडियो आ जाएगा तो देखे। तो मैंने वो 1:30 बजे का टाइम सेट कर दिया है, तो आई होप आप सभी उसी टाइम पे देख रहे हैं
और हमें लाइक भी कर रहे हैं। सो अगर आप सभी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जो न्यू व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अभी ये हमारी गायत्री को भी देखिए, मुझे आते ही देखते इतनी खड़ी हो जाती है। हमारी गायत्री है वो, तो इनसे सबसे बातें करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम जैसे इंसान अपनी भाषा समझते हैं ना, तो इनसे आप बात करोगे तो ये भी हमारी बातें सुनते हैं, समझते हैं। तो अभी ये है कि पशुओं को भी प्रेम करना चाहिए, जैसे आप प्रेम उनको दोगे वो उतना ही प्यार आपको देंगे। वैसे सब कहते हैं कि कोई ना कोई जो पशु है वो मारने के लिए दौड़ता है या कुछ हो, लेकिन अगर आप उसके सिर पे ऐसे हाथ फेरोगे तो कभी आपके मारने नहीं दौड़ेगा, वो प्रेम के बदले प्रेम ही देगा। और ये हमारी लक्ष्मी बस ऐसे ही सोई पड़ी हुई है, क्योंकि उनको भी आजकल धूप का आनंद लेना है। उसकी ये दिक्कत रहती है कि ये एक जगह से दूसरी जगह सही से जा नहीं पा रही है, तो जब थक जाती है तो बैठ जाती है, और शाम के वक्त ही एक टाइम ही हमें उसको चेंज करना होता है, तो तभी कर देते हैं। और यहाँ जैसे ही आते हैं तो धूप गायब हो जाती है, वैसे ठंड भी नहीं लगती, धूप भी नहीं लगती, दोनों मिक्स में है अभी। लेकिन ज़्यादा जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी तो यहाँ खड़ा होना यानी कि ज़्यादा सर्दी लगेगी, तो धूप की ज़रूरत होगी। लेकिन ऐसा सब कुछ हमारे फार्मर्स के साथ होता रहता है, क्योंकि फार्म में रहते हैं तो पूरा दिन घर पे तो नहीं पड़े रहते, कभी खेत में चले जाते हैं, कभी गए त्रिलक्ष्मी के पास, तो कभी बस ऐसे खाट पे बैठ जाते हैं और बस ऐसे ही ज़िंदगी का आनंद लेते रहते हैं। तो आई होप आप सभी को ये हमारे फार्म के जो वीडियोस है, वो कहते हैं ना कि विलेज लाइफ है, वो अच्छी लग रही होगी। तो आई होप अच्छी लगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो तब तक के लिए बाय बाय।